यार तो रो रो के हमारा बुरा हाल हो गया। तू भी चश्मा पहन के आया, मुझे पता है तेरी आंखें भी सूज गई होंगी रो रो कर। है वो। अभी भी सूजी अरे है इतना इसकी। मैं बाईगोंड में क्या बताऊं, हकीकत में बता रहा हूं मैं तुझे। मैं कल सुबह उठ एक तो सुबह उठा तो मेरे फोन में इतने सारे नोटिफिकेशन, मैं परेशान हो गया। फिर मेरे को जैसे ही पूनम पांडे का पता चला तो एकदम तो मैं शॉक में था। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार तेरे जिस्म से किसी की खुशबू आती है और वो खुशबू कहाँ मिलेगी। तो फिर मैं रोने लग गया सोच के। फिर मैं नहाया, इधर उधर 36 चीजें करी, पूरे दिन अपना गाना सुना। और जब भी उसको सुन रहा था, सुनते सुनते इतना रोया होना मैं क्या बताऊं। पर अब वो जिंदा है तो मुझे कहीं ना वाइब नहीं आ रही थी कि मर गई, हकीकत में डेथ हो गई हाँ, उसकी। तो और तू ही तेरा मुझे कंफर्मेशन देने वाला था। मैं सुबह में उठी, बराबर मैंने सबसे पहले शिवम को कॉल लगाया कि पूनम मर गई। ये बोलता है पूनम भी गई अभी के अभी, मैं पता लाइफ पे ऐसे तो मत बोल कि मर गई मर गई। हाँ पता कर। तो ये भी बिलीव, मतलब हम बिलीव नहीं कर रहे थे, हमको लगा उसका मुझे अकाउंट हैक हो गया। इसको भी मैंने यही पूरा, लगा, मैंने कहा ये फॉलोअर्स बढ़ाने की नई स्कीम है। हाँ मैंने इसको कहा पता कर। अभी शिवम ने पूरे मीडिया वालों को कॉल लगाया, पूरे बाबा मीडिया बाबा वाले बोलते कि सच अभी रियल आए बाबा, कल मैसेज छूटते ही मैंने सारे लॉकअप के बंदों को भाई। मैसेज किया। मैं कहा बाबा को, मैं कहा बाबा बाबा के दूसरे फोन से मैसेज आया, बूम बाम पता लगा रहे हैं, वेट ऐसा कुछ अभी पता नहीं। मतलब कोई भी श्योर नहीं था ना। साइशा को किया, अरे उसने बोला कि मुझे, मैंने अपना बंदा भेजा हुआ है कोई चेक करने, उसी बार बोले उसके घर पे, तो उसका भी उनका भी रिवर्ट आना था। पर स्कैम शिवम हो गया साथ, सिस्टम हैंग कर दिया पूनम बोलता है पांडे उसकी ने। डेड बॉडी पुणे में है, आजमा प्लीज तू जाइयो, आजमा प्लीज तू जाइयो। अच्छा डेड मुझे बॉडी, जाना होगा, मैं और कहाँ मैं खुद ही जाऊँ। सोच रहा हूँ और क्या। मैं कोई अपना बंदा कोई तो पहुंचे, हाँ हाँ सबसे गाली खा रही है वो एकता कपूर मैम ने भी डाल दिया है कि भाई कोई बहुत भी गलत चीज है इतना कि अभी कोई सेलिब्रिटी मरता है तो कोई बिलीव नहीं करेगा। नहीं। पर एक बात बताऊं, पूनम पांडे का लोग बिलीव कर नहीं देते क्योंकि उनका पहले भी अकाउंट एक बार हैक हो रखा है ना। और हाँ राहुल राहुल वैद्य ने भी डाली थी स्टोरी कि भाई मुझे भी उसके भी, बहुत लोगों को नहीं लग रहा था हाँ यार, पर लेकिन ये गलत चीज है जब सब। रो रहे थे आज हंसी आ रही है मुझे, इतनी मुझे मैं भी क्या हंसी बताऊं। आ रही मैं शायरी याद आ गई, कहते हैं हमारे बाद महफिल में अफसाने बया होंगे, हमारे बाद महफिल में अफसाने बया होंगे, बाहरे हमको ढूंढने की ना जाने हम कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, हम दूसरे फोन से फेक आईडी बना के लोगों की स्टोरियां देख रहे होंगे। सुपर, बाप रे बहुत गलत हुआ। बट एक चीज है कि अगर आपको किसी चीज के बारे में अवेयरनेस फैलानी है तो आपको वैसे ही, आप कपड़े निकाल के नंगे हो जाते हो तो 10 हजार लाखों लोग आपको देखने के लिए आते हैं। आप वैसे कुछ वीडियो बना के, आप जिस चीज में फेमस हो आप वैसे करके फेम ले लो, वैसे करके आप एंड में बताते हैं कि मैं सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस दे रही हूँ, क्योंकि वैसे ही आप कपड़े निकालते हो सारे लोग तो आपको आ जाते हैं, आप तो चीप पब्लिसिटी लेने में एक्सपर्ट हो। बट ऐसे लोगों को फूल करना कि मैं मर गई हूँ और सारे मीडिया वाले भी, और सबसे पहले तो ये मीडिया वालों को तो मैं सबसे बोलूंगी, आप सबसे बड़े सी हो, सी विदाउट कंफर्मेशन। इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स वालों ने डाल दिया आप लोगों ने कि शी इज डेड विदाउट एनी कंफर्मेशन। आपने डेड बॉडी नहीं देखी, आपने कुछ नहीं देखा, बट इसने पता है पूरे मीडिया वालों को घुमाया है। शिवम तू भी जानता है। फोन, मुझे इतने फोन आ रहे थे सब सारे मीडिया यहाँ से, जितने भी लोग लॉकअप वाले वो थे मीडिया वाले सबके, अमर भाई का, समीरा का, सबका। मैंने कहा यार तुम ही पता लगाओ, हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा, फोन ही ऑफ आ रहा था। पर अब क्या करें। सारे मीडिया वाले, तुझे पता है पुणे के सारे हॉस्पिटलों का छप्पा छप्पा चार मारा उन लोगों ने क्योंकि उनकी डेड उठा उठा बॉडी के चल, उठा उठा के देख रहे हैं। पूनम पूनम नहीं पूनम सुनिए, वो बांस मार रहा है इधर से, कह रहे भाई चक्कर में नाक सड़ गई लोगों की। कानपुर के सारे हॉस्पिटल्स में मीडिया वालों ने छप्पा छप्पा छान मारा, वहां पे भी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। बड़ी बड़ी उम्र वाली लेडीज मिल रही है पूनम नाम की, वो लोग बोल रहे ये पूनम है, लेकिन पूनम पांडे उसमें नहीं है। पूनम पांडे ने किसी का कुछ नहीं सोचा, कहती ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आई डोंट केयर हु द फक यू आर, उसने कहा जाओ सारे बाढ़ में जाओ सारे। सबकी साइशा ने तो ब्लॉक ही कर दिया यार सीधा। सायशा ने बिल्कुल सही किया। कल मैं सायशा से बात कर रही हूँ यार, सायशा एक ऐसी स्टेट में थी कल, मैं बता नहीं सकती। सायशा वॉज नॉन स्टॉप रो रही है। मैंने सायशा को बोला सायशा प्लीज पता कर, सायशा ने बोला मैंने एक बंदा भेजा है, अब मैं पता करके बताती हूँ। एंड देन सायशा ने उसकी पीआर टीम को कॉल किया, उसकी पीआर टीम ने शायद बोल दिया सायशा को दैट शी इज नो मोर। सायशा ने मुझे मैसेज करा कि आजमा शी लेफ्ट अस। अभी मुझे हंसी आ रही है। कल तक तो मेरे को, मैं खुद अपने आप को सोच रहा हूँ ना यार ये क्या हो गया उधर से। पर अब ठीक है, अरे लेकिन मेरे आंसू वेस्ट हो गए। अभी मैं उसको बोलूंगी मर जा वापस। मुझे रोने क्या था फोन,
पहले किया था है मैंने, हम खुश है कि वो जिंदा है, लेकिन मेरे कल तक सिर तो वो मेरे लिए मरी हुई से थी। घूम रहा है, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, ये नहीं, मैं कब रुको बेटा, अभी तो मैं सबकी गालियां पड़ेंगी, वो भी मैं डर रही हूँ, अब तो हो गया, इट्स ओके, पता नहीं, चलो वो जिंदा है ना, अपने को यही चलो खुशी है, बाकी तो यार अब क्या ही बोलना जिंदा है। है खुश, लेकिन लेकिन शिवम, हम लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को खोया है जो हम वापस नहीं आ सकते। हम उस स्टेट में थे कल कि वो चली गई है दुनिया से। ये बहुत सीरियस चीज है कि ऐसे नहीं करना चाहिए इमोशंस के साथ। जो उसके फैंस है, चल हम लोग तो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स लोग से बड़े होते हैं, फैंस जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, वो लोग भी किस स्टेट में होंगे कल की यार सच्ची में चली गई, सबका सारे लड़के परेशान हो गए थे, अब हम किसकी वीडियो देखेंगे। बेचारे उनका सोच, उनकी क्या बीत रही होगी, और हम तो बस यार शिट। मेरा तो अभी भी सर दर्द कर रहा है, मैं इतना रोई हूँ कल। खाई सेरेडॉन खाई थी मैंने, कहा यार चल एक तो खा ही लो, बहुत आंखें दर्द हो रही हैं। लेकिन इसके वजह से आप कोई भी सेलिब्रिटी पे बिलीव नहीं करेगा। आपने सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस के लिए आपने मरने का नाटक किया। अगर तुझे एक फ्रैक्चर ब्रांड का आएगा कि आप तू क्या, तू अपनी टांगे तोड़वाएगा तोड़वाएगा चले भाई, मेरी एक टांग नकली है, मैं उदय भाई बहुत अच्छे इंसान है, मैं हॉकी का बहुत बढ़िया प्लेयर था, बड़े अच्छे इंसान है, मेरी एक टांग तोड़ी, मुझे हॉस्पिटल लेके गए, वैसे करके ऐड करेंगे मेरी फ्रैक्चर बोल रही हूँ, की तुझे ऐसा ऐड करना पड़ेगा। है। दिस इज वेरी बैड। तो अब यही काम रह गया, शरीर तोड़वाओ अपना, तो ये अल्टीमेट। वैसे अगर ये सब चीजें नहीं यार छोड़, क्या बोलना, अब उसकी उसका थॉट प्रोसेस था कुछ तो था, आप कहना पीआर टीम ने भी कुछ ना कुछ सोच के बोला होगा, और कितने लोग रहते हो पता तो है, पूनम के पीछे कम से कम 3-4 लोग तो वैसे ही रहते हैं, टीम उसकी कितनी है, 3-4 बंदे हैं टीम में, अब किसका दिमाग कहाँ पे क्या चला है अभी। एक्चुअली क्या है ना, ये जो हमारा बजट इस साल निर्मला सीतारमण ने ना यूनियन बजट पास किया, बजट में वो आया, इन्होंने जिक्र किया था इसका, HVP वैक्सीन होती है कोई, ये सर्विकल कैंसर का, तो उस ओके चक्कर में वो बहुत लाइमलाइट में थी परसों वो चीज, उस चक्कर में उन्होंने बोला कि धुआं इस धुआं आग इस बात का पतंगड़ बना के, मतलब शोले से आग बना ले, अपने हाथ से रोटियां सेक ली उन्होंने भी थोड़ी बहुत, चलो क्या उसका, वो कर सकती है, वो पूनम पांडे है, वो कुछ भी कर सकती है। यही तो कोरे ना, कुछ भी कर सकती है, तो पूरा एक तो अरे नंगी हो जाती है और बोल देती कि इसका वैक्सीन ले लो, आप जो करते हो वो करो ना, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप लोगों के इमोशंस के साथ क्यों खेल रहे हो, आप मरने का नाटक कर रहे हो, ये बहुत गलत है। नाटक करना तो हमारी तरह करो, को भाई करके दिखाओ यही नाटक अब इस करो, बदले। यही हाँ मैं बोल रही हूँ, जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो आप वो करो, और फिर बोलो कि आपको वैक्सीन लेनी है। ये क्या है भाई कि मैं मर गई हूँ, हम लोग रो रहे हैं, एटलीस्ट हम जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो उसके साथ काम कर चुके हैं, उनको तो पता कि तू नाटक कर रही है। अरे मैं वही तो इसलिए तो रो रहा था, मैंने कहा यार 80 दिन बिताए हैं इस बंदी के साथ, इतना टाइम हम लोगों ने बूम बाम चाय बनाना चुप ये करना ऑमलेट वॉमलेट सब कुछ करके दिया है, हाँ मैंने कहा यार सब यार, कुछ याद आ रहा था वो सब। मुझे भी, हम लोग रात को हमारी जैसे ही वो हम बैरिक्स में आते थे, रात को हम लोगों की 1-2 घंटे बकचोदी चलती थी, सोते तो नहीं थे, तो नहीं मैं तो सब मैं याद सबसे लेट मैं ही सोता आ था, रहा था। पहले आसपास देखता था कौन फुटेज कहाँ चल रही है, किसकी कौन तैयारी कर रहा है कल की कल नॉमिनेशन है, कौन कौन साथ बैठा हुआ है, हाँ यस, हैप्पी लोकल फ्रेंडशिप डे। रियलिटी शो 24/7 और कैप्टिव रियलिटी शो की बात ही अलग है यार, हाँ बिग यार, बॉस सिर्फ ये दो ही 24 घंटे साथ में रहना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम लोग 24 घंटे साथ में रहे, हमको उसकी इमोशंस पता है, प्लस सर्वाइकल के ऊपर तुझे पता है पूनम को बैक कभी। पेन होती है हमेशा, याद है उसके लिए वो आते थे कि अरे वो बैक सर्वाइकल, वो पेन। सर्वाइकल नहीं है वो अबे अरे वो सर्वाइकल सर्वाइकल गर्दन वाला नहीं पीछे झटके पर, होता ये है, सर्वाइकल अरे सर्विकल है समझ रही हो गर्दन मत मुझे, रुक जा। तो सर्वाइकल ये अलग है सर्वाइकल और और तू सर्विकल सर्वाइकल अलग है। सोच के क्या, कल तो पूनम को कैसे इमेजिन कर रही होगी, क्या पड़ी सर्वी अटैक सर्वाइकल अटैक पड़ी है, अरे यार आजमा यार तू भी यार छोटा पैकेज बहुत सर्वाइकल धमाका दे अलग तू, है और सर्विकल ये अलग सर्विकल है। होता है सर्वाइकल, सर्वाइकल सॉरी होता है गले यहाँ से होता है कुछ ऐसे ऐसे करते हैं झटका पड़ता है, वो हेडेक उसमें बहुत हेडेक होता है। ओह माय गॉड, ओके ठीक है, बट जो भी हुआ हम लोग सबका मोए मोए हो गया, अरे मोए मोए। वेलकम लॉर्ड विनीत। लॉर्ड विनीत सबसे पहला बंदा था जिसने मुझे कॉल करके बोला आजमा इट्स फेक। तो ये उसके फॉलोअर बड़े नहीं बड़े, अब क्या नाम है पूनम पांडे के, क्या कह रही है रोशनी, वांट टू रेस
कैंसर मिले, रोशनी ने तो पर्सनल दिल पे ही ले लिया ये मैटर जा क्योंकि जाके। क्योंकि रोशनी ने अपनी मॉम को खोया है यार कैंसर से, ओ प्लस हाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सैडली वही कह कैंसर रहा था, लोग कह को रहा खोया है पीपल लेकिन हु वो हैव वापस लॉस्ट देयर आए। पेरेंट्स और फैमिली मेंबर विद फ्रॉम कैंसर, सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो उनके लिए तो थोड़ा है एक ग्लिच हाँ है। यार, हमको लगता है कैंसर से किसी की डेथ हो गई, और जब मेरी भी खाला की डेथ हुई थी कैंसर से, हम उनको देखते और हम ऐसे सोचते, जब हमारे सामने डेड बॉडी रहती है ना, हम सोचते कि प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ, सब इसकी तरह दूसरे दिन जिंदा तो नहीं हो सकते ना सही बात, किसी की। कोई कोई हमने रियल में खोया है।